वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज हम बनाएंगे हल्दी से एक ऐसा गोल्ड फेशियल जो बहुत कॉस्टली होता है, हम घर पे उसे इजीली बना सकते हैं। हल्दी से ये बना फेशियल आपके चेहरे की, आपकी स्किन की सभी प्रॉब्लम्स को ख़त्म करेगा, टाइनिंग प्रॉब्लम ख़त्म करेगा, पोल्यूशन की वजह से स्किन पे डस्ट जमा हो जाती है वो ख़त्म करेगा, छाइयाँ ख़त्म करेगा और जो पिंपल एक्ने के मार्क्स रह जाते हैं फेस पे वो भी खत्म हो जाएंगे इससे। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, इससे पहले मैं आपको बता दूं कि गोल्ड फेशियल जब हम मार्केट में करवाने जाते हैं तो हमें बहुत कॉस्टली पड़ता है। हमें पता है कि कितना ज़्यादा हमें ये महंगा पड़ जाता है और हमारी स्किन पे उतना इतनी चमक भी नहीं आती है। लेकिन अगर आप इसे घर पे ट्राई करेंगे तो बहुत अच्छा आपको वर्क इसके ऊपर मिलेगा, बहुत अच्छा इफेक्ट आपको देखने के लिए मिलेगा। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं इस फेशियल को कैसे करना है। हमने सबसे पहले दोस्तों आपको एक चम्मच कोई भी कोल्ड क्रीम लेनी है जो भी आप यूज़ करते हैं, उसके अंदर आपको दो विटामिन ई कैप्सूल के मिक्स करने हैं और अपने चेहरे पर 10 मिनट के लिए मसाज करके छोड़ देना है। फिर ठंडे पानी से अपने चेहरे को वॉश करें। फिर हमने करनी है स्क्रबिंग। स्क्रबिंग के लिए आपको एक चम्मच शुगर चाहिए, यानी कि चीनी। वो अगर आपने दरदरी पीसी होगी तो बहुत बढ़िया है, आप ब्राउन शुगर भी यूज़ कर सकते हैं, वो भी बहुत इफ़ेक्टिव होती है। अगर नहीं है तो आप उसे छोड़कर सिंपल जो शुगर हम यूज़ करते हैं वो यूज़ करिए। आधा चम्मच हमें इसके अंदर ऑलिव ऑयल लेना है और आधा चम्मच हनी। इन तीनों चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स करके अपने फेस पे 5 मिनट के लिए स्क्रबिंग करें। स्क्रबिंग करने के बाद अच्छी तरह से स्क्रबिंग हो जाएगी। और दोस्तों टी जोन पे स्क्रबिंग करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि आपकी स्किन पे जो ऑयल जमा हो जाता है और डस्ट जमा हो जाती है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाए, डेड स्किन रिपेयर हो सके, राइट। उसके बाद हमने इसे पानी से वॉश कर लेना है और फिर हमने अपने चेहरे पर स्टीम देनी है। अगर आपके पास स्टीमर नहीं है तो आप गर्म पानी से भी स्टीम ले सकते हैं। तो नेक्स्ट स्टेप जो है दोस्तों वो है हमारा फेस पैक। फेस पैक को बनाने के लिए हमें चाहिए आधा चम्मच कोकोनट ऑयल, आधा चम्मच हल्दी हमें चाहिए, आधा चम्मच हनी और आधा चम्मच लेमन जूस हमें चाहिए, यानी कि नींबू का रस, और आधा चम्मच हमें दही चाहिए। हमने इन सभी चीज़ों को, पांचों चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है और अपने चेहरे पर अप्लाई करना है। 20 मिनट तक आपने इसे अपने चेहरे पर अप्लाई करके रखना है। 20 मिनट तक ये आपकी डेड स्किन को रिमूव करेगा और साथ साथ आपकी स्किन पे होने वाली प्रॉब्लम्स को रिपेयर करेगा, आपकी स्किन को एकदम स्मूथ बनाएगा, दही आपकी स्किन को मॉइस्चराइज करेगी। और आपको पता है कि हल्दी हम बहुत पुराने टाइम से यूज़ करते हैं हमारी स्किन को गोरा बनाने के लिए, और इसमें एंटी बैक्टीरियल तत्व होते हैं जो आपकी स्किन के खराब स्किन को भी रिपेयर करने में बहुत मदद करता है। हनी आपकी स्किन को एंटी एजिंग होने से बचाता है, लेमन स्किन को गोरा बनाता है, कोकोनट ऑयल स्किन को मॉइस्चराइज करता है। तो दोस्तों इससे 20 मिनट के बाद अपने चेहरे से उतार लीजिए, यानी कि चेहरे को ठंडे पानी से वॉश करें। अब नेक्स्ट जो है और फाइनल जो है हमें करना है, एलोवेरा क्रीम से अपने फेस की मसाज करें। 2 मिनट तक मसाज करने के बाद सो जाइए। ये बहुत ही बढ़िया है, आप इसे हमेशा रात को करेंगी अगर आपके पास वक्त है तो, जो बहुत अच्छा रिजल्ट आपको देगा। आप इसे महीने में 4 बार कर सकती हैं, यानी कि वीक में 1 बार इसे कर सकती हैं, बहुत अच्छा रिजल्ट आपको देखने के लिए मिलेगा, ट्राई जरूर करके देखेगा। बाहर की जो चीज़ें हम यूज़ करते हैं उससे कई बार हमें हमारी स्किन को हार्म पहुंच जाता है, तो आप अपनी स्किन को घर पे ही क्लीन करें, घर पे मॉइस्चराइज करें, घर पे ही इसकी डस्ट हटाएं। इस फेशियल को यूज़ करके ज़रूर बताइएगा और मेरी इस वीडियो को आप शेयर भी कर सकते हैं, व्हाट्सएप पे भी शेयर कर सकते हैं और फेसबुक पे भी। और मुझे लाइक बहुत पसंद है तो मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा ताकि मुझे पता चले कि आप नेक्स्ट वीडियो भी इस तरह की चाहते हैं तो। और दोस्तों आप मेरे चैनल को वीडियो के नीचे जो रेड कलर का सब्सक्राइब का बटन है और बेल आइकन है उसे क्लिक करना मत भूलिएगा, ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूं उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। तो दोस्तों मिलेंगे एक अच्छी सी इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक गुड बाय, स्टे ब्यूटीफुल।